उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के नागफनी थाना क्षेत्र में आज देर शाम उस समय चीख पुकार मच गई जब यहां डाली जा रही सीवर लाइन गड्ढे में एक एक कर चार दोपहिया वाहन उसमें जा गिरे। इस हादसे में किसी के गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन लोगों में सीवर डाल रही कंपनी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है, क्योंकि पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से सभी वाहनों को बाहर निकलवाया है। लोगों ने कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि उसने इस काम में बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखी है, जिस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर में सीवर लाइन का काम L&T कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई इलाकों में इस समय काम चल रहा है। नागफनी थाना क्षेत्र के झब्बू के नाला मोहल्ले में आज शाम यहाँ खुदे हुए गड्ढे में के बराबर में निकलने का रास्ता स्थानीय लोगों को दिया गया था, लेकिन एकदम अचानक मिट्टी धस गई और देखते ही देखते चार दुपहिया वाहन इसमें जा गिरे। हालांकि किसी भी प्रकार का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने कंपनी पर जमकर गुस्सा निकाला। इस दौरान सीवरेज का काम कर रही कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीदे की रिपोर्ट। शकील, क्या हुआ था यहाँ पर? सर, मैं आ रहा था वहीं से, आते आते ये नहीं पता कि दुर्घटना कैसे हो गई नीचे। इसके अलावा सर, लोग इंतजार में। कौन सी जगह ये हादसा हुआ? जी, थाना। कौन सा है? तो जब आप गाड़ी लेके जा रहे थे तो उस टाइम पर गड्ढा था या गाड़ी जब लेके गए नीचे बैठ गई? कौन सी गाड़ी पे थे आप? एक की बात। कितनी गाड़ी गड्ढे में गई? गाड़ी गिरी। छोटे भी आई हैं आपको? क्या क्या कहना चाहते हो जैसे ये गड्ढे चल रहे हैं? सर, क्या बताएं, बस समस्या है सभी लोगों को इसकी, सब लोग परेशानी में। चल गला हो कि ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए, इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? हादसा हो सकता था, बड़ा जान भी जा सकता। जी 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 जी, बिल्कुल सही। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पर? जब से सर ये सीवर लाइन का गड्ढा हुआ है, जब से दसियों तो हादसा हो चुका है, लोगों का हाथ टूट चुका है। और जरा कितनी बार ये पाइप लाइन क्रेक हो चुकी है, मेरी इमारत के नीचे नहीं वो पानी जा चुका है, जिससे अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो सीवर लाइन वाले या पुलिस प्रशासन या मोदी जी इसके जिम्मेदार होंगे। आपकी बुनियादों में हादसा होता है तो लगभग कितनी ऊंची बिल्डिंग है आपकी? मेरे साथ 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। तो आपकी नींबू में पानी आ गया, इससे खतरा है आपको? इसका जो भी नुकसान होगा, जान माल का, पूरी फैमिली, बच्चे छोटे छोटे सब रहते हैं, कोई भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार जो है सीवर लाइन वाले। आज आपके घर के आगे क्या हुआ था? सर, मेरे घर का आगे जो है सीवर लाइन पाइप जो है फट चुका था पानी का, जिसकी वजह से जो है रोड पे पानी, और 3 बाइकें घुस चुकी है इसके अंदर, और सब नींबू तक में पानी। कितने दिन से लगभग काम चल रहा था ये? सर, 1.5 महीने से काम चल रहा है। अभी तक इसको कोई ध्यान कौन दे रहा है इस पर? जी, कौन ध्यान नहीं दे रहा इस पर? अभी कोई नहीं ध्यान दे रहा था, पुलिस को बुलाया था, पुलिस कहती है कि हमारा काम नहीं, नगर निगम का काम है, अब हम किससे कहाँ हैं? आपने इसकी शिकायत करी, आपकी नींबू में पानी आ गया, नगर निगम में आपने एप्लीकेशन दी? सर, ये अभी ये पानी तो कई बार आ चुका था, इससे पहले थोड़ा आया था, सबसे ज़्यादा अभी आया है। अब जो है सुबह को इसकी कार्रवाई करी जाएगी, जो भी हम करेंगे। अब पुलिस यहाँ मौजूद है? पुलिस है मौजूद। कितनी देर लगा पुलिस को छोड़ने लगी? कई हल्के रिक्शे पलट चुके, हाथ टूट चुके, कई हादसे हो चुके इसके अंदर। क्या अभी सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो आप लोग, क्या कहना चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे बिल्डिंग का, जान माल का कोई हादसा होता है तो उसका उसके जो है जिम्मेदार सिविल लाइन वाले और पुलिस प्रशासन और नगर निगम, जल निगम वाले सब होंगे, जिसके जो भी जिम्मेदार होगा। कोई हादसा हुआ इस मोहल्ले में या मेरे घर के अलावा किसी का भी हुआ, सब जिम्मेदार होंगे। थाना नागफनी मोहल्ला किसका? मोहल्ला JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।